हेलो फ्रेंड्स, नए आईटीआर फॉर्म से जुड़े सभी अहम फैसले गवर्नमेंट ने वापस ले लिए हैं और इस डिसीजन से बहुत से लोगों को अब राहत मिलने वाली है। जो लोग भी ITR1 और ITR4 फाइल करने से डिबार्ड कर दिए गए थे, वो अब फिर से वापस पिछले सालों की तरह अपने ITR1 और ITR4 फॉर्म को फाइल कर सकेंगे। कल यानी कि 9 जनवरी को एक प्रेस रिलीज के जरिए गवर्नमेंट ने ये बात साफ की कि उन्होंने सभी अहम फैसले वापस ले लिए हैं। इससे पहले 3 जनवरी को एक नोटिफिकेशन इशू करके गवर्नमेंट ने ITR1 और ITR4 फॉर्म को नोटिफाई किया था, जिसमें कि काफ़ी सारे मेजर चेंजेस किए गए थे और इन मेजर चेंजेस की वजह से काफ़ी सारे लोग जो पहले ITR1 फाइल करते थे उनके लिए कोई नया फॉर्म लाने की बात कही गई थी और उन्हें ITR1 फॉर्म फाइल करने से डिबार्ड कर दिया गया था। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रेस रिलीज आई है और इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा है। 9 जनवरी को आया है ये प्रेस रिलीज और इसमें लिखा है CBDT grants relaxation in eligibility conditions for filing of income tax return form 1 सहज एंड form 4 सुगम for assessment year 2021। तो इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें इन्होंने ये बताया है कि 3 जनवरी को जो इन्होंने ITR1 और ITR4 फॉर्म इशू किए थे उसमें जो लोग भी जॉइंट ओनरशिप में कोई हाउस प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं उन्हें डिबार्ड कर दिया गया था कि वो ITR1 या ITR4 फॉर्म नहीं फाइल कर सकते हैं और उनके लिए जल्दी ही कोई नया फॉर्म इशू किया जाएगा। साथ ही जो लोग भी 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) में फॉल होते हैं वो लोग भी ITR1 फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते हैं। 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) कहता है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट अपने बैंक में जमा करवाया है तो आप ITR1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट किया है तो आप ITR1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट किया है तो आप ITR1 फाइल नहीं कर सकते। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में होल्ड की हुई है तो भी आप ITR1 फाइल नहीं कर सकते। ये फर्स्ट पैराग्राफ में इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में दिया है कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड दैट चेंजेस आर लाइकली टू कॉज हार्डशिप इन द कॉज ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। तो इस तरह की बातें सामने आई कि ITR1 जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्म माना जाता है उसकी बजाय कोई नया डिटेल्ड फॉर्म लाने से काफ़ी सारे लोगों को परेशानी हो जाएगी, काफ़ी हार्डशिप्स हो जाएंगी। इस वजह से गवर्नमेंट ने इन ITR फॉर्म से जुड़े फैसले वापस ले लिए। और इसके बाद थर्ड पैराग्राफ में इसमें दिया है द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड दैट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू अलाउ अ पर्सन हु जॉइंटली ओन्स अ सिंगल हाउस प्रॉपर्टी टू फाइल हिज और हर रिटर्न ऑफ इनकम इन ITR1 और ITR4 एज मे बी एप्लीकेबल इफ़ ही और शी मीट्स द अदर कंडीशंस। मतलब जो लोग भी जॉइंट ओनरशिप में सिंगल हाउस प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं वो लोग भी अब ITR1 या ITR4 जो भी उनके केस में एप्लीकेबल हो वो फाइल कर सकते हैं। इससे पहले गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि जो लोग भी जॉइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं वो ना तो ITR1 फाइल कर सकते हैं और ना ही ITR4 फाइल कर सकते हैं। ITR1 और ITR4 सिर्फ वही लोग फाइल करेंगे जिनके पास सिंगल ओनरशिप में हाउस प्रॉपर्टी है। इसके बाद आगे इसमें लिखा है इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड टू अलाउ अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ वन और मोर कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) ऑफ द एक्ट टू फाइल हिज और हर रिटर्न इन ITR1 फॉर्म। तो इसमें आगे लिखा है कि जो भी लोग 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) के अंदर फॉल करते हैं वो लोग भी अब ITR1 फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यू ITR फॉर्म्स ITR1 और ITR4 में जो भी चेंजेस किए गए थे, जो भी फैसले लिए गए थे, वो सब गवर्नमेंट ने वापस ले लिए हैं और अब आप पहले की तरह ही अपने ITR1 और ITR4 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर डिबार्ड नहीं किया गया है ITR1 या ITR4 फाइल करने से। जल्दी ही गवर्नमेंट नए ITR फॉर्म्स नोटिफाइड करेगी। तो फ्रेंड्स, छोटी सी जानकारी थी, आई होप कि आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।